नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम नापासर में हैं और आप देख सकते हैं पीछे बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। यह बच्चों की ट्रेन चल रही है और लोगों की चहल पहल है। यह है राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर नापासर में। इस तरह का हम देख सकते हैं कि अक्सर इस तरह के मेगा ट्रेड फेयर शहरों में देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों की ट्रेन है, ये अक्सर नज़ारा हम शहरों में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेगा ट्रेड फेयर के संचालक है, इनका कहना है कि हमारा मुख्य मकसद यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको शहर जैसी फीलिंग हो, उनको ऐसा लगे कि भाई हमारे गांव में भी मेगा ट्रेड फेयर मेले लगते हैं और बच्चे हैं इस तरह की ट्रेनों का आनंद ले सकते हैं। पीछे बड़े बड़े डॉलर झूले हैं और भी बहुत सारे अलग। आज पहला दिन है, हालांकि थोड़ी भीड़ भाड़ कम लग रही है, लेकिन आज पहला दिन है। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी। और आप पीछे देख सकते हैं सभी प्रकार के जो सर्दी से बचाव के जो कपड़े हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और भी खाने पीने की चीज़ें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो अभी आप देख सकते हैं पैक है, वो धीरे धीरे यहाँ पे सज रही है। तो यहाँ पे मेगा ट्रेड फेयर के प्रमुख है संजय जी राठौड़, हम इनसे जानेंगे कि मेगा ट्रेड फेयर में क्या क्या सुविधाएँ मिलेगी यहाँ पर आने वाले लोगों को। यहाँ पे मेगा ट्रेड फेयर में हमें मतलब यहाँ पे लोगों का मनोरंजन करते हैं और एक ही छत के नीचे संपूर्ण वैरायटी मिल जाएगी उनको। जैसे रेडीमेड कपड़े हैं, ज्वेलरी है, बच्चों के खिलौने हैं और खाने के लिए जैसे अपना कैंटीन वगैरह है, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं तो अनेक प्रकार के आइटम मिल जाएंगी। बाकी यह है कि मतलब हमारा तो मुख्य मकसद यही है कि लोगों का मनोरंजन हो। हाँ, गाँव वगैरह के जो अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका कुछ मनोरंजन हो, उनको लगे कि हाँ हमें कुछ मनोरंजन मिलता है। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ज़्यादा वो करते हैं, लोग आते हैं हमारे पास, बाकी एक ही छत के नीचे उनको सारी संपूर्ण वैरायटी मिल जाती है। जैसे या ख़रीदारी करें या वो मनोरंजन हो, बच्चों का भी मनोरंजन हो जाता है। बस ही नापासर में ये आपका पहला ही आयोजन कह सकते हैं, लेकिन हमने सुना है कि पूरे राजस्थान भर में अलग अलग जगहों पे आप ये इस तरह के मेगा ट्रेड फेयर मेलों का आयोजन करते हो। हाँ जी, मतलब ऑल राजस्थान के अंदर, मतलब कहीं भी पे, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए या फिर मतलब तहसील में हो गया या फिर जिले लेवल पर हो गया, मतलब इस तरह के आयोजन करते रहते हैं हम। और कम से कम खर्चे में यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, कस्बे के बच्चे हैं, वो आनंद ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कम से कम खर्चे में, मतलब यहाँ से हमारे जो बच्चे की कुछ आइटम है वो जैसे 20-30 रुपए में है और जो बड़ों की है जैसे 40-50 रुपए में है। इस तरीके से मतलब कम से कम खर्चे में आपका इन बच्चों का मनोरंजन हो जाता है और मतलब शॉपिंग बाजार में भी कम से कम खर्चे में सारा कुछ काम हो जाता है। आज पहला दिन है, कितने दिन चलेगा ये मेगा ट्रेड फेयर मेला? हमारा 20 से 25 दिन का प्रोग्राम है यहाँ पे नापासर में। आज हमारा पहला ही दिन था तो अभी क्या स्टार्टअप कर रहे हैं, और मतलब बाकी पब्लिक का जो भी है रुख अच्छा ही है, मतलब आज ही से हमने स्टार्टअप किया है यहाँ पे। और कस्बे के लोगों का कैसा रुझान है? काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि इस तरह के हो आयोजन? काफ़ी खुश हैं, मतलब वो सबका यही कहना है कि नहीं यहाँ पे है, बढ़िया आयोजन कर रखा है आपने, मतलब बाकी उत्साह भी है इन लोगों के अंदर। बाकी भीड़ भाड़ अभी देखो कुछ अभी है, कुछ शाम तक हमारे मतलब 9-10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, देखो क्या मिलता है आज पहले दिन का रुझान क्या होता है। तो आप देख सकते हैं नापासर कस्बे में मेगा ट्रेड फेयर का आज पहला दिन है। हालांकि कल स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत सहित गांव के लोगों ने मिलकर उद्घाटन किया था। आप देख सकते हैं ये झूले हैं और आप यहां पे आके अपने बच्चों को, बच्चों की ट्रेन है वहां पे, बच्चों को आप मनोरंजन बच्चों का करवा सकते हैं कम से कम लागत में। और काफ़ी कुछ यहाँ बच्चों को देखने को भी मिलेगा जो अक्सर हम शहरों में देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि गांव के जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर आएँ। ये नापासर में राजीव गांधी खेल मैदान में ये मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन हो रहा है। आज पहला दिन है और ये लगातार 20 से 25 दिन तक चलेगा।